हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था अपना यूज़र कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और आज हम सीखेंगे क्या क्या बिल डिलीट हुए हैं, क्या मॉडिफाई हुए हैं। ये सारी जानकारी हम देखेंगे आज कि इसमें हम ये ऑप्शन ऑन कैसे करें कि हमें जानकारी मिले कि क्या क्या इनवॉइस डिलीट हुए हैं, एडिट हुए हैं या A to Z जो भी हुए हैं। आज हम जान लेते हैं ये कैसे होगा। हम अपनी कंपनी ओपन कर लेते हैं एडमिन वाली आईडी से, जो हमारी मेन एडमिन वाली आईडी है उससे लॉग इन कर लेते हैं। हमारी कंपनी खुल चुकी है, हम चले जाते हैं एडमिनिस्टर पे, कॉन्फ़िगरेशन पे एंटर मार लेंगे, फीचर्स ऑप्शन पे, या फिर हम चले जाएंगे थर्ड नंबर पे जनरल, जनरल पे हम एंटर मार लेंगे। अब ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है आपका मेंटेन डाटा चेकलिस्ट। अगर ये आपका एन है यानी कि ये नो है, और हम इसे वाई कर देंगे यानी यस। हम यस करने के बाद, जैसे ही हम यस करके सेव कर देते हैं, उसके बाद आपका जो भी डिलीट मॉडिफाई या जो भी है उसका ये बैकअप लेना चालू कर देता है, मतलब ये ऑप्शन ऑन हो जाता है। और आप इसके बारे में देख सकते हैं, इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद हमने जैसे वाई कर दिया, अब हम इसे सेव कर देते हैं। अब हमने सेव कर दिया, हम एग्जिट कर देते हैं। एक बार पहले हम देख लेते हैं, डिस्प्ले पे चले जाते हैं हम। डिस्प्ले पे जाने के बाद हम चेकलिस्ट पे जाएंगे, एंटर मारेंगे, चेकलिस्ट डाटा चेकलिस्ट पे एंटर मार देंगे, या ऑल यूजर्स पे जाके हम ओके कर देते हैं। सारी डेट ठीक है, अभी यहाँ पर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये अभी हमने ऑप्शन अभी ऑन किया है। अब इसके बाद जो भी हम इसमें एडिट या डिलीट करेंगे वो सारा यहाँ पर डाटा दिखाई देगा। अब हम चले जाते हैं, मान लीजिए हम हमने जो कल कल जो हमने यूजर क्रिएट किया था, हम उसकी तरफ से एक बिल डिलीट करके देखते हैं कि ये हमें कैसे दिखाई देगा। मॉडिफाई कर लेंगे, डिलीट कर लेंगे। हम चले जाते हैं अपने ट्रांजेक्शन्स पे, सेल या परचेज हम कुछ भी कर लेते हैं। मैं कर रहा हूँ मॉडिफाई, मॉडिफाई करके ओके। पहले मेरे को क्रिएट ही करना पड़ेगा, इसमें बिल बनानी है। मैंने ले लिया मेन, यहाँ पर आप डेट जो डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए। यहाँ पर हमने टैक्स ले लिया, ये हमारी पार्टी है, नरेशन हम आइटम ले लेते हैं कुछ भी। हमने ले लिया टेस्ट आइटम, क्वांटिटी 12, उसके बाद प्राइस डाल दिया हमने 200। हमने दूसरा आइटम और ले लिया, ये टेस्ट आइटम है, बस मैं आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। हम बाकी टैप करके आ जाएंगे, F4 कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे कर देते हैं सेव। सेव, ये हमारा बिल हो गया सेव, ठीक है। अब हम इसे कर लेते हैं मॉडिफाई, जैसे मॉडिफाई करेंगे एंटर मार लेंगे, सॉरी अब मॉडिफाई कर लेते हैं एंटर, ये हमारा बिल जो लास्ट था वो खुल गया है। हम इसे मॉडिफाई कर ले, मान लेते हैं हम इसमें डिस्काउंट डाल रहे हैं, हमने डाल दिया डिस्काउंट 20%। अब इसे हम कर देते सेव। अब ये जो बिल हमने मॉडिफाई किया है, अब ये मैं दिखाता हूँ, ये हम देखेंगे कहाँ। हम चले जाते हैं अपनी मेन वाली आईडी पे, मैं अपनी मेन वाली आईडी खोल लेता हूँ, एडमिन वाली जिससे मैंने ये क्रिएट किया था। एंटर, ये मेरी मेन एडमिन वाली आईडी खुल चुकी है। हम चले जाते हैं डिस्प्ले पे, डिस्प्ले पे जाने के बाद हम चले जाएंगे चेकलिस्ट पे, फिर हम जाएंगे डाटा चेकलिस्ट पे, एंटर मार देंगे। अब ये पूछ रहा है हमें किसी प्रॉपर एक यूज़र का देखना है या सारे यूज़रों का देखना है। तो मान लीजिए मैं अभी जो मैंने यूज़र क्रिएट किया था 01 पिछली वीडियो में, उसका देखना। अब ये पूछ रहा है इसमें आपको किस चीज़ की जानकारी चाहिए, मॉडिफाई की देखना है, डिलीट की देखना है, या अदर या अडोप्टेड की। मैंने बस मेरे को देखना है, मान लीजिए मॉडिफाई की या डिलीट की, मैंने इन दोनों पे टिक रहन दिया और ओके कर दिया। अब ये पूछ रहा है किस डेट से किस डेट तक का देखना है, मैंने डेट चेंज ना करते हुए ओके कर दिया। अब इसमें अभी दिखा रहा है, एक ही दिखा रहा है कि ये बिल मॉडिफाई हुआ है, सेल का बिल था 2:33 पे हुआ है, कैश का बिल था, अमाउंट ये था उसका। अब मान लीजिए मैं डिलीट कर देता उसी बिल को,
तो क्या दिखाता हूँ, मैंने फिर से अपने, मान लीजिए मैं इसी आईडी से डिलीट कर रहा हूँ अपनी मेन एडमिन वाली से, तो फिर हम ट्रांजैक्शन पे जाएंगे, सेल पे जाते हैं, टेस्ट पे जा रहे हैं, एंटर, सारे खोल दिए, ये आ रहा है एक ही बिल क्रिएट था, इसे मैंने कर दिया मान लीजिए डिलीट। डिलीट के लिए मैंने ऐप 8 प्रेस किया, ये पूछ रहा है आपको ये वाउचर डिलीट करना है या नहीं करना, मैंने कर दिया यस डिलीट करना है, ये डिलीट हो गया। अब हम फिर से जाते हैं अपने डिस्प्ले पे, चेकलिस्ट पे एंटर मार के फिर डाटा चेकलिस्ट एंटर मारेंगे। अब हम देख लेते हैं ऑल यूजर्स, ऑल यूजर गए हम एंटर, अब यहाँ पर मेरे को देखना है मॉडिफाई एंड डिलीट, ओके कर लिया मैंने। अब ये डेट पूछ रहा है आपको, जिस डेट से जिस डेट तक का देखना है हम वो डेट डालेंगे, बट मैंने तो एक ही एंट्री किया तो मैंने सारी डेट चेंज ना करते हुए मैं बस एंटर मार रहा हूँ, एंटर मार लिया मैंने, अब ये आ गया, देख लीजिए ये यहाँ पर है डिलीट हुआ ये बिल। एक्शन में जो होता है डिलीट हो गया या आपका डिलीट हो गया या आप मॉडिफाई करते हैं, जो भी हम एक्शन लेंगे वो यहाँ पर दिखाई देगा, हमने यहाँ कर दिया डिलीट। अब यहाँ पर यूज़र दिखा रहा है एडमिन, अगर हम प्रॉपर एक यूज़र का देखेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि मैंने 01 जब खोला था यहाँ पर यूज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने बस 01 यूज़र का ही चेक करना था। अब मैंने ऑल कर दिया, ऑल पे ये हमारा दिखा रहा है कि ये किसकी तरफ से डिलीट हुआ है, ये मेन जो एडमिन है उसकी तरफ से डिलीट हुआ है, 2:35 पे ये बिल डिलीट किया गया है, सेल का बिल था ये रहा। यहाँ बाकी डिटेल आ रहा है कि वाउचर का फाइनल अमाउंट ये था, सारी डिटेल यहाँ पर दिखा देगा। बाकी आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है आप हमसे हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर जल्द से जल्द वीडियो ले आएंगे। और आपका देखने का धन्यवाद, लाइक करें शेयर करें।